नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभोर सिंगल है। मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। कृष्णा देवी जब मेरे पास आई तो उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वो मतलब आप उनकी अगर चाल को देखें तो ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये कभी सीधी भी चलती होंगी, क्योंकि इस तरीके से ये झुक के और अपने मतलब जैसे बिल्कुल ये रोबोटिक आप समझ लीजिए कि उनकी चाल हो चुकी थी। और मुझे खुद भी एक बार ऐसा लगा कि कहीं ये वाली इतनी आदत इनकी इतनी सालों से पड़ी हुई है नी आर्थराइटिस की वजह से, कि ऐसे ही परमानेंट ना हो जाए, नी रिप्लेसमेंट के बाद भी इनको जो है परेशानी ना झेलनी पड़े। हालांकि ऐसा बड़ा कम होता है, पर अगर इतने सालों की आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है वो कभी कभार थोड़ी सी शंका हमें भी होती है। पर इनके नी रिप्लेसमेंट मैंने किए और बड़े शानदार इनके घुटने जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हुए, क्योंकि गांव की महिलाएं थोड़ा सा मेहनत, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में कमज़ोरी नहीं आती, पर वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी के चलते उनका जो सरफेस था वो हमने रिप्लेस किया, वो मैं उसको बदल के और इनको सीधा बना के फिर उनको चलाया। आज की तारीख में जिस प्रकार की चाल इनकी है, ऐसा देख के नहीं लगता है कि ये कभी इतनी बुरी तरीके से पीड़ा से ग्रस्त थी और चलने में असमर्थ थी। ये देखते हुए बहुत दिनों से इनकी जो बहन है वो वेट कर रही थी, और अब अगले हफ्ते मैं उनका उनकी बहन का भी की भी दोनों घुटनों की सर्जरी करने वाला हूँ। ये देख के भी मुझे अच्छा लगता है और कि पेशेंट्स जो हैं वो इस सर्जरी से लाभ उठा पा रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और ये सारे जो मरीज हैं वो हमारे आसपास के हैं, इसी एरिया के हैं। तो ये हम मेरी कामना है कि ऐसे ही मरीज हमारे अच्छे होते रहें और खूब चलते रहें।